नमस्ते बच्चों, मैं तरेश डामो। आज कक्षा दूसरी का अपन गणित पढ़ेंगे। गणित में है पेज नंबर 117 निकाल लीजिए आप। ये जोड़ के सवाल है, इधर लिखा है जोड़िए। ऊपर की संख्या कितना लिखा है? ऊपर की संख्या में चार, तो अपन कितनी लाइन करेंगे? चार, एक दो तीन चार। अब चार के नीचे क्या लिखा है? सात। फिर सात लाइन अलग करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब अपन को सभी लाइनें गिनना है ना? गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। कितना आया? ग्यारह। ग्यारह का एक लिख दिया। अब हासिल कहाँ रखेंगे? ये संख्या के ऊपर एक। अब दहाई के स्थान पे कितना लिखा हुआ है? दो। कितना है? दो। दो लाइन खींचेंगे, एक दो। अब दो के नीचे कितना है? एक। और हासिल कितना है ऊपर? हासिल को गिनने के लिए भूलने का नहीं है अपन को, है ना? एक दो तीन, हासिल को गिनेंगे चार। ये बिल्कुल सीध में लिखेंगे अपन, है ना? संख्या के बिल्कुल सीध में लिखेंगे। तो 24 और 17 का जोड़ा कितना है? 41, 41। अब दूसरे सवाल में देखिए, इकाई के स्थान पे कितना लिखा हुआ है? आठ। कितना है? आठ। तो अपन कितनी लाइन करेंगे? आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। अब आठ के नीचे कितना है? तीन। तीन लाइन क्या करेंगे? एक दो तीन। अब सभी लाइनों को गिनना है, गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। ग्यारह का एक, हासिल कितना है? एक। अब दहाई के स्थान पे कितना है? छह। कितनी लाइन करेंगे अपन? छह, एक दो तीन चार पांच छह। छह के नीचे कितना लिखा है? एक। ये एक लाइन करते, गिनिए सभी, एक दो तीन चार पांच छह सात। सात और हासिल कितना है? एक आठ। 81, 68 प्लस 13 बराबर 81। अब दूसरे सवाल में है 19 धन 39। इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है? नौ। नौ लाइन करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब नौ के नीचे फिर कितना लिखा हुआ है? नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब सभी को गिनना है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन सभी को गिनना है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। कितना आया? अठारह। अठारह का आठ, हासिल एक। अब ये दूसरी संख्या में दहाई के स्थान पर कितना है? एक। एक के नीचे कितना लिखा हुआ है? तीन। तीन लाइन करेंगे, एक दो तीन। अब गिनने का है सबको, एक दो तीन चार। चार और एक हासिल पांच। कितना हो गया? अट्ठावन। 19 और 39 को जोड़ा कितना आया? 58, 58। अब दूसरे सवाल में इकाई के स्थान पर क्या है?
कितना लिखा हुआ है? संख्या पहचानना है आपको, एक दो तीन चार। अब चार के नीचे कितना है? तीन। चार के नीचे कितना है? तीन। एक दो तीन। अब सभी को गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात। कितना आया? चारों तीन को जोड़ा सात। अब उस दहाई के स्थान पे कितना है? पांच। एक दो तीन चार पांच। अब नीचे वाली दहाई की संख्या पे कौन सा क्या अंक लिखा है? चार। चार लाइन करेंगे, एक दो तीन चार। अब सभी को गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। कितना आया? नौ। तो पांच छोड़े, चार को जोड़ा नौ। लिखा है 48 धन 38। इकाई के स्थान पे कितना है? आठ। आठ लाइन करेंगे या गोला करेंगे? गोला करेंगे ना। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। आठ के नीचे पे कितना है? फिर आठ लिखा है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। सभी को गिने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। सोलह का छह, यहां से कितना आएगा? एक। दहाई के स्थान पे कितना है? चार। कितना है? चार। तो चार बोलने का, एक दो तीन चार। चार के नीचे कितना लिखा है? तीन। तीन बोले, तीन गिनिए, एक दो तीन चार पांच छह सात। सात और एक हासिल है आठ। कितना आ जाएगा? आठ। छियासी। अड़तालीस और अड़तीस को जोड़ा छियासी। अब दूसरे सवाल में क्या लिखा है? घटाइए, इन्हें कम करना है। ये ऊपर की जो संख्या लिखी है ना, उसमें से अपने को ये कम करना है। ये चिन्हों का ध्यान रखना है अपन, है ना। ये कितना लिखा है? दो। दो में से सात को नहीं घटा सकते, इसलिए पास वाली संख्या से अपन को एक उधार लेना है। तो कितना हो जाएगा? बारह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बारह। अब 12 में से अपन को 7 घटाना है, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब 12 में से कितना कम करेंगे? कितना लिखा है? जो संख्या लिखी है उतना ही कम करना है अपन को, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कितना बचा है शेष? गिनिए, एक दो तीन चार पांच। कितना आया? पांच। ये लिख दिया पांच। ये लिखा है तीन। तीन में से एक उधार दे दिया पास वाली संख्या को। कितना बच गया आपके यहां? दो। कितना बच गया? दो। अब दो में से दो बचा ना। अब दो में से कितना निकालेंगे? दो। एक दो बचा है कुछ नहीं, तो शून्य या जीरो। अब दूसरे सवाल में है, संख्या को पढ़ेंगे 73 में से 59 घटाना है। पहले इकाई के स्थान में से घटाएंगे अपन, तीन में से नौ को घटाना है। तीन में से नौ को नहीं घटा सकते, इसलिए क्योंकि ये दो तीन छोटी संख्या है और नौ बड़ी संख्या है, इसलिए नहीं घटा सकते। तो पांच वाले से एक संख्या उधार लेंगे। कितना हो जाएगा? तेरह। कितना हो जाएगा? तेरह हो जाएगा। तेरह में से अपन को नौ घटाना है।
लाइन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह में से कितना काम करना है, नौ, कितना कटाएंगे, नौ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अब शेष बाकी कितना बच गया, चार, एक दो तीन चार, तो तेरह में से नौ हटाए कितना आया, चार, ये लिखा। अब ये कितना है, सात, सात में से एक उधार दे दिया था, कितना रह गया वहां, कितना बचेगा, छह, ये छह रहेगा ना, एक संख्या इधर दे दी अपन ने पास वाले को, तो कितना है, छह आया ना, एक दो तीन चार पांच छह, अब छह में से कितना कम करेंगे, कितना लिखा है, पांच, घटाइए, एक दो तीन चार पांच, कितना रह गया, कितना बचा, एक, और लिखा है अस्सी में से सड़सठ घटाना है, पहले इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या लिखा है, शून्य, शून्य में से सात बचाएंगे, शून्य में से सात नहीं घटा सकते इसलिए पास वाले से एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, दस, कितना हो जाएगा, दस, अब दस में से अपन को कम करना है सात, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, दस में से कितना कम करेंगे, सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, कितना बचा, गिनिए, एक दो तीन, ये दस में से सात गया तीन, दहाई के स्थान पर क्या है, आठ है ना, आठ में से एक उधार दे दिया अपन ने, तो यहाँ कितना बचेगा, कितना रह गया, सात, अब सात में से अपन को कम करना है छह, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात में से छह घटाना है, एक दो तीन चार पांच छ, कितना बचा, एक, उनचालीस में से 25 को घटाना है दूसरे सवाल में, इकाई के स्थान पर क्या है, नौ, नौ में से कितना कम करेंगे, पांच, कितना, पांच, तो नौ लाइन करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ में से कितना कम करना है, जो संख्या लिखी वही, पांच, एक दो तीन चार पांच, हो गया, अभी कितना बचा है, एक दो तीन चार, नौ में से पांच क्या, कितना बचा, चार, दहाई के स्थान पर कौन सा संख्या लिखी है, तीन, क्या लिखा है, तीन, एक दो तीन, अब तीन में से कितना कम करेंगे, दो, एक दो, कितना बचा, एक, ये लिखा, एक, उनतालीस में से 25 को घटाया कितना बचा, 14, अब दूसरे सवाल में ये चार में से सात नहीं घटा सकते इसलिए पास वाले से एक संख्या उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये याद रखने के लिए ये संख्या लिख रहे हैं ना, 14 में से सात को घटाएंगे, 14 लाइन करेंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह 14, अब 14 में से कितना कम करना है, सात, एक दो तीन चार पांच छ सात, ये हो गए, अब कितना बचा, गिनिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, कितना बचा, सात,
को एक उधार दे दिया था ना अपन ने, इसने ले लिया था, तो यहाँ कितना बच गया? आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब आठ में से कितना कम करेंगे? आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बचा कुछ नहीं ना, शून्य या जीरो। दूसरे नंबर पे क्या है? 6000 में से 28 कम करेंगे, तो इकाई के स्थान पर कितना है? 6। 6 में से 8 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि ये ऊपर वाली छोटी संख्या है और नीचे की बड़ी संख्या है, तो पास वाले से एक उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में से 8 को घटाएंगे, 16 लाइन करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। 16 में से कितना कम करना है? 8। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये हो गई। अब कितना बच्चा गिनिए? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ रह गया। 16 में से 8 गया तो 8। अब ये लिखा है 7। 7 में से 2 कम करना है, पास वाली संख्या को एक उधार दे दिया अपन ने, है ना, तो यहाँ कितना बचा है? 6। कितना बचा? 6। 6 में से 6 में से कितना कम करेंगे? 2। 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना कटाना है? 2। 1 2 ये कटा दिया। अब कितना बचा? 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सीध में लिखेंगे 4। तो आप क्या बोलेंगे संख्या को? 48। तो ये अपना हो गया है। ऊपर के सवाल क्या है? ये करके जोड़िए और इधर वाले क्या है? घटाइए। ये नहीं काम करने वाले, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है ये सवाल, पेज नंबर 117 पर। आपको इसमें भी करना है और आपकी कॉपी में भी बैठकर आपको ये करना है, ठीक है? थैंक यू।